इस वक्त असी टिकरी बॉर्डर से खड़े हैं जिथे के लोगों का हजूम है लगातार वाधा जा रहा है। तो इतने दवाइया की भी जरूरत है, ये बाबा जी भी दवाई लैके चले की तकलीफ है तुम? खंघ है जी। हाँ जी खंघ हुणे लगी इतने आके जा पहला तो सी? पहला दी है जी। अच्छा मजबूती हो गई है। डॉक्टर साहब नूं की पुछया तुसीं? कोशिश करेंगे दवाइयां दे दो डॉक्टर साहब इन्होंने को भी जावांगे। शमशेर सिंह जी इत्थे तुहानू किसी ने सुनेहा लाया सीगा जां जिस तरीके नाल तुसीं उत्थे पंजाब दे विच सेवावां दे रहे हो उसे लहजे विच ही जां उसे भाव विच तुसीं इत्थे आ गए? बिल्कुल, जिहड़ा इस वेले जो साडा इक सर्बसांझा देश है लोकतंत्र देश है इस दे विच जिहड़ा ये समस्या जिहड़ी साडे देश दे नागरिक नूं साडे किसान वीर नूं ते मेहनत कश इंसान लोगों की समस्या सुनाउण दे विच जिहड़ी मुश्किल आ रही सरकार नूं उहदे विच बहुत सारियां साडे इस वेले जिहड़ियां समस्या मौते सामने आईयां सी उत्थे भी यही आ रहा सी कि कुछ मैडिकल की प्रॉब्लम आ रही है उन्होंने तो कुछ रजाइया तलाइया गद्दे अलग अलग चीज़ों की लोड़ महसूस हो रही। सानू उत्थे मैसेज जदों आए असी उत्थे हाजिर होए तो उत्थों सानू पता लग्या भी दिल्ली वल तो इत्थे भी लोड़ा महसूस हो रही तो इत्थे पता लग्या कि एंबूलेंस की बहुत लोड़ पैंदी है एमरजेंसी असी एंबूलेंस भी लेके आए हैं। कितने खड़ी एंबूलेंस? एंबूलेंस अपनी लागी है बिल्कुल लागे है इत्थे। चलो कोई नहीं मैं उत्थे भी जाऊंगा। हाँ जी हाँ जी असी बस यही मतलब बेनती करते हैं तुहाडे थ्रू भी देश का पहले आर्थिक हालत इन्नी कमजोर है भी हैल्थ की कह लो इन्नी समस्या हैगी है हॉस्पिटल के बंदा पिया रुल जाता पहला एक्ट बथेरे बना ले भी जिहड़े एक्ट बनाउंदे हैं तो इस दे विच जिहड़े एक्सपर्ट है उन्होंने नाल ले लिया जाए तो जिहड़ी समस्या हुण इस वेले बनी है जिस दे नाल वड्डी गिणती दे विच लोगों की लाइफ प्रभावित हो रही है भी इन्हां दे उत्ते सरकार गंभीरता नाल विचार करके इस नूं तुरंत जिहड़ी समस्या नूं हल करना चाहिए क्योंकि बहुत वड्डी एक नागरिक जिहड़ा इस वेले दिल्ली का भी आस पास के एरिए का बहुत परेशान है तो सेक लाउण की कोशिश ना की जाए कोई यह जात का कोई देश का कोई जात का कोई गोत का कोई प्रांत का कोई मजहब का यह संघर्ष नहीं है ये सिर्फ एक समस्या वा एक लोकतंत्र के बेस से नागरिक उन्होंने हल चाहता है तुरंत हल करना चाहिए है। तो सरकार नहीं इंतजाम कर रही है सेहत सहूलत का जो सरकार सहूलत कर दी होंगी अज इंडिया के मैं दस भला तुहाडी दा बहुत नॉलेज है कोई एक जिहड़ा बंदा बजुर्ग घर के पिया तड़फ रहा कला रह गया जिन्हें शादी नहीं कराई सी या जिसे कोई इलाज नहीं हो या डमेंशिया करके सड़क पर आ गया उन्होंने चकने कोई सड़क का अरेंजमेंट एक भी नहीं है। मैं 1900 लोगों डील करने तो बाद गल कर रहा लगभग तो इस वेले के हालात ने भी एक भी जी करोना करके प्रॉब्लम आ रही है करोना की वार्ड मैं पहले दिन ही कह दिता सी अपने एडमिनिस्ट्रेशन को भी जोड़े बंदे डिप्रैशन है घर कले रुलते हैं भी उन्होंने की अरेजमेंट है हस्पताल के तो जड़िया पैरल होर समस्यावान चलदियाँ है भी सारे करोना की भेड़ चढ़ा दोगे उस तरह की एक भी सानू यहाँ री सेंटर नहीं मिले जिते डिप्रैशन से गए इंटलैक्चुअल डिसबिलिटी वाले नागरिक साढ़े देश के स्ट्रैस रेट पहले ही ज्यादा है डिप्रैशन जा रहे हैं अरेंजमेंट की बहुत व्डे पद्धर के घाट होने करके असं इतने पहुंचे हाँ भी साढ़े देश के दे नागरिक को कोई सेहत पक्षों पहले ही समस्यावान जूझ रहा कोई यहोजी अणहोनी ना हो जी सेहत खराब हो जाए। लोग संतुष्ट है तुहाडियां इन्हां सेवावां तो? हाँ बिल्कुल एक लोड़वंद नूं लोड़वंद जो लोड़ पूरी होंदी है तो सैनिटाइजर साढ़े कोल है तो हर चीज़ कोल है असं बार बार डॉक्टर साहब जिवें भी बड़ियां वॉलंटियर सेवावां शुरू तो चलदियां इन्हां दियां प्रभ आसरां नाल उदां भी समाज के तो जिते भी जिहड़ी चीज़ की लोड़ है असं हर तरह की कंबलों की कि होर चीज़ की गर्म चीज़ों की दवाइया की जिहड़ी चीज़ की भी साडे वल्लों मंग की जाती असीं पूरी कोशिश करते हुण उधर चप्पलों तक की ईवन के जवैन तक की भी कहिंदे लोड़ महसूस हो रही साडे पेट की प्रॉब्लम आ गई सानू बाहर रह के तो सारा कुछ उत्थे कोशिश की सारा कुछ दिता तो बहुत सारे मतलब सरकार को बेनती करते नाल मिल के भी देश के हालात पहले ही खराब है तो इस दे विच होर खराब करन दी ना कोशिश तुरंत गंभीरता नाल विचारा जाए तो तुरंत इहदा हल दिता जाए तो असीं हाजर हां सेवावां लैके मैडिकल दीआं। बहुत धन्यवाद शमशेर जी ये प्रभ आसरा दे जरिए लोगों की सेवा करते हैं डॉक्टर दलेर सिंह मुल्तानी ये अक्सर साढ़े को टीवी डिबेट्स में भी तुम इन्हों देखते रहने हो। डॉक्टर दलेर सिंह मुल्तानी तुम तो हूँ मैं लगता रिटायर हो चुके हो तो ये तुहाडी सेवा किसी ने लाई है जां तुसीं किया इन्हां नूं शमशेर जी नूं कि मैं भी चलना तुहाडे नाल? नहीं देखो इस तरह हैगा कि मैं रिटायर हो चुका गवर्नमेंट नौकरी तो मैं काम करने तो रिटायर नहीं है और ये प्रभ आसरा इंस्टीट्यूशन ये चंडीगढ़ के आसे पासे बल्कि पंजाब एक ऐसी इंस्टीट्यूशन हैगी है जिहड़ी बिल्कुल सैल्फलैस होकर काम कर रही है ईमानदारी नाल काम कर रही है और उन्होंने लोगों वास्ते काम कर रही है जिन्हों जरूरत है जिन्हों का कोई सहारा नहीं है
तो मेरी भी उन्होंने एसोसीएशन हैगी है इस गल वास्ते, सो असं इकट्ठे आए हैं इतने इस काम वास्ते। डॉक्टर मुल्तानी मैं इतने कई लोगों भी मिले जहाँ इतने भी थोड़े भी इतने को कड़े दवाई लै रहे थे, सारे ने ज़्यादातर खंघ की शिकायत दर्ज करवाई है तुहाडे कोले। खंघ बहुत लोगों लगी हुई है, खांसी की दिक्कत हैगी है, तो करोना का कनैक्शन खांसी ना जोड़ा जाता, तो इतने तुम दवाई उन्होंने की दे रहे हो, पुछते हो तुम की तकलीफ है? और जी नॉर्मल रूटीन वाली खांसी है ना, जो आप गल कह दी है कि हर खांसी जुकाम जोड़ा है करोना नहीं है, करोना के बहुत वही गल हों कि सह लैन प्रॉब्लम आती है अगर किसी बंद करोना होया हों, इस करके करोना दई सारिया कैटागरीज बनाती गई। सो यी सिंपल खांसी हैगी है, सीजनल हैगी है, इतने धूड़ मिट्टी उठ रहा है, लोग बाहर ठंडे रह रहे हैं, इस करके हुई है, करोना करके नहीं है। इस करके इतने इंतजाम किहो जिहा है? मैं देख रहा भी उस तरीके इतने सफाई नहीं है जिस तरीके सरकारों करनी चाहिए है। डॉक्टर मुल्तानी उस लिए कोई प्रबंध इतने किए जा सकते हैं, सरकार कर रही हैं, तुहानू ही लोगों को करना पेगा सारा कुछ? देखो पहली गल तो हैगी है कि सरकार तो इस काम वास्ते है ही नहीं, जे आप सफाई की गल करिए जो स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत वाला सपना है वो तो सिर्फ कागजा च हैगा विच जां फोटोआं च है, इत्थे लोग जिहड़े हैगे ने वो हक सच की लड़ाई लड़न आए हुए हैं, वो कोई जिहड़ा हैगा वो अपने लैवल से आप सफाई कर रहे हैं, अपना रख रहे हैं काम, पर सरकार वालों तो मैं देख रहा कुछ नहीं है। जिस किहो जिहे पेशेंट तुहाडे कोल आ रहे हैं खांसी वाले? तो मैं देख लिया नहीं, इस तरह के नॉर्मल पेशेंट जिहड़े हैगे ने जिवें खास करके ना जो हुण ठंड च हैगी है खांसी जुकाम बुखार वाले तो आने ही आने हैं, हल्के हल्के मरीज जोड़ों की दर्द वाले बहुत आने, क्योंकि बजुर्ग बहुत आए हुए हैं बिच, फिर नॉर्मल जिहड़ियां आम बीमारियां होंदियां ने, या किसी नूं ब्लड प्रैशर जे हुण इस वक्त हाई हो गया वह चैक करता उसनों देती दवाई जी है। सो मेरा कहना मतलब यह नॉर्मल जी बीमारियों के नाल आ रहे हैं, कोई इदा दी क्रॉनिक या फिर वह बीमारियां ने जिहड़ियां पहले उन्होंने लगिया हुई हैं, तो सीजनल बीमारियां ने और लोगों किसी भी नॉर्मल बंद होंदिया ने आम कित भी रहा होमारियां हो जाए। इतने कोई यहोजा पेशेंट भी आया जो बहुत सीरीयस हो? क्योंकि इन्होंने मैं दसा शमशेर जी ने कहते एंबूलेंस भी लैके आए हुए हैं, एंबूलेंस जरूरत पई है? नहीं अज तो सू एंबूलेंस की जरूरत नहीं पई बच्चे जी है, लेकिन मैं पिछली बार इतने अटेंड करके गया 30 तरीक उधर अपन एंबूलेंस की जरूरत पई सी बच्चे, और पेशेंट एकदम गिर गया, बजुर्ग आदमी सगा बी पी भी चैक करके असं उन्होंने शिफ्ट कर लिया, सो एंबूलेंस की जरूरत पैंती है बच्चे। बहुत धन्यवाद डॉक्टर मुल्तानी। ये सन डॉक्टर मुल्तानी, इन्हों की एंबूलेंस जिते खड़ी असी उ भी जाने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि जो ये कहें कि सरकार उन्हें ध्यान नहीं दे रही, सानू निजी पद्धर से यह सारा कुछ करना पै रहा, लोग इतने बड़ी वड्डी गिनती में पहुँच रहे हैं, पहले नालों ज़्यादा इतने रश हो चुके हैं, तो इतने असी एंबूलेंस को जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हाँ एंबूलेंस का दरवाज़ा खुला ही है, मैं अंदर आ सकता जी? की नाम है तुहाडा? मैं उत्थे गलबात करके आया हूँ डॉक्टर मुल्तानी उत्थे बैठे हुए, शमशेर सिंह जी मैंने उत्थे मिले है, तुहाडे कोल पूरे इंतजाम है जो कोई इत्थे पेशेंट सीरियस हुंदा तां? हाँ जी सर पूरे इंतजाम है साडे कोल, तुहानू कोई इहो जिहा शख्स मिलिया जिन्हों कोई इहो जिहे कोई सिम्पटम्स तुहानू देखे हो जिस तरीके नाल सरकारां कहिंदियां कि करोना का दौर चलता पिया, खांसी जुकाम की दिक्कत इतने आम ही असं देख रहे हैं, कोई योजा पेशेंट भी तुम्हें मिल रहा? कोई डॉक्टर साहब तो कह रहे साढ़े को योजा पेशेंट फिलहाल कोई नहीं है, तो सीजनल है जो सारा कुछ? हाँ जी सीजनल आ रहे, खांसी जुकाम बुखार वाले जो भी है जो नॉर्मल होंगे ही है वो आ रहे हैं, फिर करोना का कोई वो नहीं आ रहा, तो बाकी डॉक्टर साहब बैठे सारे सभी मेडिसिन मंग रहे, ज़्यादातर खांसी जुकाम दर्द बुखार की दिक्कत आ रही है सारे पेशेंट न। इस एंबूलेंस में कहो जो इंतजाम है जो कोई पेशेंट सीरीयस होंगे तो? सर इस पेशेंट एंबूलेंस में सब कुछ है, ईसीजी वगैरह सब कुछ है, साड़ी डॉक्टर की टीम होंगी है, कोई पेशेंट आता है तो साड़ी ये कुछ होंगी सारे वाइटल नोट करके वो डॉक्टर को दसना होंगे, तो उस तो बाद असी नीयरेस्ट होस्पिटल है फर्स्ट एड देंदे हो असी जो भी नीयरेस्ट होस्पिटल उत्थे शिफ्ट करते पेशेंट को। तुहाडा उन्हां नाल कॉन्टैक्ट हैगा जिहड़े नेड़े तेड़े दे हस्पताल है दिल्ली दे? सर इतने नहीं है, लेकिन जो पहला साड़ी फर्स्ट एड होंगी जो सा डॉक्टर है ऑनलाइन उन्होंने असं कंसर्न करके सब को पेशेंट के वाइटल साइन सिम्टम दसते हैं कि ये पेशेंट हो रहा है दिक्कत आ रही है, तो फिर वो जो भी ट्रीटमेंट देंगे कहें सानू तो असं दे के पेशेंट जो भी नीयरेस्ट हो सू होस्पिटल पैंता ने नज़दीक तो उत्तर शिफ्ट करते पेशेंट को। बहुत धन्यवाद संदीप जी, थैंक यू सर। सारे अब अपनी ड्यूटी पर लगे हुए हैं, असं एंबूलेंस में भी समझने की कोशिश की है कि इतने किहो जिहा इंतजाम है, इतने किसी भी तरीके से कोई पेशेंट को दिक्कत आती है कोई तो उस बंदोबस्त जोड़े किए हुए है, योजे कई लोग इतने पहुँचे हुए हैं जोड़े आपदे पद्धर से सेवावान दे रहे हैं, तो जो सरकार इस अंदोलन इस संघर्ष को उस तरीके ना समझदिया पियाँ हो, योजे लोग जोड़े समाजक
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇਖੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ KP ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿੱਲੀ।